हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न प्रतिदिमन। तो हम लोग बाल विकास के अंदर विभिन्न अवस्थाएं उनको पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने बाल्यावस्था को कंप्लीट किया था और उससे पहले हमने शैशवावस्था को भी समझा था। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि शैशवावस्था जो है वो जन्म से 5 वर्ष तक की मानी गई थी और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की मानी गई थी। इसके अलावा हमने देखा था कि शैशवावस्था जो है वह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आदर्श काल है और बाल्यावस्था जो है वह सबसे अनोखा काल है। चलिए अब हम देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है वह 12 से 18 या 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था है। इसे गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, इसे बसंत ऋतु भी कहते हैं और टीन एज भी कहा जाता है। ये शब्द जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसे जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। तो इसी तरीके से ऑप्शन में आता है कि जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आदर्श काल और जीवन का अनोखा काल, इसमें से किशोरावस्था की विशेषता है। तो आप क्या बताएंगे, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? किशोरावस्था। ठीक है, एडोलेसेंस जो है वह लेटिन भाषा एडोलेसियर से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है वृद्धि होना। क्या होता है? वृद्धि होना। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है कि जो एडोलेसेंस है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो वह लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है। चलिए किशोरावस्था से संबंधित जो डेफिनेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है वो है स्टेनले हॉल की। स्टेनले हॉल का कहना है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था है। देखिए 13 से 18 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वह उसके सामने बहुत सारे संघर्ष आते हैं, उसके सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं, क्योंकि जब इस उम्र में वह स्कूल एज के अंतिम पड़ाव पर होता है तो उसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, जैसे कि उसे कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। इसके अलावा उसके दिमाग में बहुत सारे जो तूफानी बातें हैं वो आती हैं, उसे कुछ तनाव का सामना भी करना पड़ता है और यह विरोध की अवस्था भी आती है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चा जो है वो अपने माता पिता का, अपनी जो बड़े होते हैं उनका या फिर अपने टीचर्स का, इनका विरोध करने की अवस्था जो है वो किशोरावस्था को ही माना जाता है, क्योंकि उसे यह लगता है कि हम जो कुछ हैं वही हैं और वही सही है और जो बड़े हमसे कुछ कह रहे हैं वो सही नहीं है। इसीलिए यह बहुत बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था है। कौन सी? किशोरावस्था। ठीक है, इसे इसे आप भी गुजरे हैं तो आप अपनी एज को ध्यान में रखकर और फिर इस बारे में सोचिए कि क्या आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती थी, आपके सामने बहुत सारे जो तनाव थे यानी टेंशन थी कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ठीक है, और बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जो तीनों अवस्थाएं हैं सभी अवस्थाओं में संघर्ष है अपने अपने बेस पर, लेकिन किशोरावस्था जो है वह बड़े संघर्ष और तूफान, तनाव, विरोध की अवस्था है। ये कौन कहता है? स्टेनले हॉल। आपको स्टेनले हॉल की डेफिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक का कहना है कि किशोरावस्था में विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक की ट्रिक है डाई धीरे धीरे असर करती है, जो बालों में लगाई जाती है डाई, तो वो एकदम असर तो नहीं करती है, धीरे धीरे करती है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का कहना है कि जो किशोरावस्था में विकास की गति होती है वह क्रमिक होती है, धीरे धीरे होती है। ये किसका कहना है? थॉर्नडाइक का। लेकिन अगर सामान्य बात करेंगे हम तो वहां हम देखेंगे कि किशोरावस्था में बाल्यावस्था की तुलना में जो विकास है वह तेज गति से होता है, लेकिन शैशवावस्था में उससे भी तेज गति से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर रखेंगे हम शैशवावस्था। शैशवावस्था में विकास की गति बहुत तीव्र होती है, उसके बाद किशोरावस्था में उससे कम होती है और बाल्यावस्था में उससे भी कम होती है। ठीक है, तो विकास कैसे चलता है? हमने जब स्टार्टिंग में विकास की अवधारणा पढ़ी थी कि विकास जो है वो पहले बहुत तेज गति से चलता है, फिर वो मंद हो जाता है, उसके बाद फिर वो तेज गति से चलता है और फिर वो मंद हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमने देखा था। उसके बाद क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन देखते हैं। किशोर ही वर्तमान की शक्ति है और भावी आशा है। ठीक है, किशोर से ही हमारा जो भावी आशा है, क्योंकि किशोर जो है वहीं से निकल कर आते हैं, कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर, ठीक है,
कोई डॉक्टर बनता है या कोई नेता बनता है। तो यही हमारी भावी आशा है, यही वर्तमान की शक्ति है। कौन कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं। उसके बाद देखिए, हम पढ़ते हैं कि शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है और किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो इन तीनों डेफिनेशन को मैंने एक साथ ही लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन जो है, जो कहते हैं कि शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल है, वो कहते हैं वैलेंटाइन, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, तो वो कहते हैं काल व ब्रूस, ठीक है, यहाँ वैलेंटाइन नहीं होगा, काल व ब्रूस कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, और किल पैट्रिक का कहना है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो किल पैट्रिक की डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी कि कील लगने से परेशानी होती है। तो देखिए, ट्रिक है, कील लगने से जीवन भर कठिनाई होती है, तो किल पैट्रिक से बनेगा कील और कठिन काल से बनेगा कठिनाई। नेक्स्ट डेफिनेशन है ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन की, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर ही एक डेफिनेशन दी किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है, यानी बाल्यावस्था के एंडिंग में ये प्रारंभ हो जाता है, और जो प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है, ठीक है। वही बात है कि भाई जो 12 वर्ष यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है और प्रौढ़ावस्था यानी कि 18-19 वर्ष तक चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन जीन पियाजे की। अब जीन पियाजे कहते हैं कि, तो जीन पियाजे का कहना है कि किशोरावस्था आदर्शों की वह अवस्था है जिसमें सिद्धांतों का निर्माण होता है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन होता है। तो जीन पियाजे दो चीजों की बात करते हैं, एक तो करते हैं निर्माण की बात और समायोजन की बात। हम बाद में भी जीन पियाजे को अच्छे से समझेंगे इनकी थ्योरी के द्वारा। कि तो यह कहते हैं कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है जिसमें सिद्धांतों का तो निर्माण होता है, ठीक है, और जीवन का सामान्य समायोजन होता है। जब यहाँ बच्चे के अंदर तूफान संघर्ष चल रहे होते हैं, तो वही बच्चा जो है समायोजन करना भी सीखता है और बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण भी यहाँ होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन कहते हैं कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता ही उत्तर किशोरावस्था है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता, यानी किशोरावस्था के अंदर हम घनिष्ठता भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ने दोस्त बना लिया तो वह उसे बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल करता है, और व्यक्तिगत मित्रता जो होती है वो इसी अवस्था में देखी जाती है। तो वैलेंटाइन जो ट्रिक है वह है कि वैलेंटाइन जो प्रेमी प्रेमिका की घनिष्ठ मित्रता की बात करते हैं। तो हमने भी देखा है कि वैलेंटाइन ने बहुत सारे जो स्टोरी हैं इसी तरीके की लिखी हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं से संबंधित ही लिखी हैं। तो ये एक ट्रिक है जो कि याद कराने के लिए है कि वैलेंटाइन का कहना है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता ही उत्तर किशोरावस्था है। इनकी एक और डेफिनेशन है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। इसी उम्र में बालक जो होता है वह अपराध प्रवृत्ति की ओर भी बढ़ता है। तो अगर उसे इस समय संभाल लिया जाता है तो वो संभल जाता है, और अगर उसे कोई नहीं मिलता है संभालने वाला तो वह अपराधी भी बन जाता है। तो क्या है ये? यह एक अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। कौन कहते हैं? वैलेंटाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन है रॉस की। रॉस कहते हैं कि किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा जाता है। पुनरावर्तन यानी कि किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की तरह ही है, उसी का बदल कर आने वाला रूप है। ये कौन कहते हैं? रॉस। नेक्स्ट डेफिनेशन में इनकी कि शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण में समायोजन का कार्य करना पड़ता है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था का ही पुनरावर्तन है। तो जिस तरीके से शिशु जो होता है उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो क्योंकि वह यहाँ वातावरण में नया आता है तो वो वातावरण के साथ समायोजन करता है, उसी तरीके से किशोर जो है वह भी करता है। तो रॉस की डेफिनेशन कैसे याद करेंगे हम? रीस आने पर समायोजन मुश्किल हो जाता है। रीस का मतलब होता है गुस्सा। जैसे गुस्सा आने पर जब हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, उसी तरीके से रीस आने पर समायोजन मुश्किल हो जाता है। तो ये एक याद करने की ट्रिक है, रॉस से बनेगा रीस और समायोजन इनकी डेफिनेशन में है, तो यहाँ आएगा समायोजन।
अगली डेफिनेशन है कॉल सैनिक की। कॉल सैनिक का कहना है किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, यानी अपने जो बड़े होते हैं उनको तो बाधा समझता है कि ये क्यों टोकते हैं हमें, जो उसे अपनी स्वतंत्रता के लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है, क्योंकि वो फ्री रहना चाहते हैं, वो फ्री माइंड में अपना काम करना चाहते हैं, और अगर उन्हें कोई टोक देता है तो वो ये समझते हैं कि ये हमारे मार्ग में आने वाली एक बाधा है। कौन कहते हैं ये? कॉल सैनिक। नेक्स्ट है डेफिनेशन विंग एंड हंट की। किशोरावस्था को व्यक्त करने का एक शब्द है परिवर्तन। ठीक है, विंग एंड विंड ने यहाँ इन्होंने तो एक शब्द लिया है परिवर्तन, इसी से पूरी डेफिनेशन डिफाइन कर दी है कि परिवर्तन क्या है, किशोरावस्था ही है, क्यों यहीं पर बहुत अधिक चेंजमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। देखिए डेफिनेशन बहुत सारी है, इनको देखकर घबराना नहीं है। पहले तो डेफिनेशन के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ हमने डेफिनेशन के माध्यम से इनकी बहुत सारी विशेषताएं जो हैं वो किशोरावस्था की समझ भी ली हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रिक जो हैं वो मैंने बनाई हैं, तो उनको तो आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके डेफिनेशन पूछी जाती हैं, और अगर जिनकी अब मैंने नहीं बनाई है तो उनकी आप भी बनाइए, क्योंकि आप खुद अगर अपने दिमाग से बनाएंगे तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। उसके बाद है विशेषताएं इसकी किशोरावस्था की। तो हमने देखा जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है, किशोरावस्था। ठीक है, और शैशवावस्था जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और आदर्श काल है। बाल्यावस्था जो है वह सबसे अनोखा काल है। मैं बार बार इसलिए आपको रिवाइज करती हूँ ताकि आपको वीडियो में ही ये चीजें लर्न हो जाएं। सेकंड है दिवा स्वप्नों की उम्र। इसमें जो किशोर होता है वो बहुत सारे सपनों में खोया रहता है, उसके नए नए सपने होते हैं, काल्पनिक जो बातें होती हैं वह भी उसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो यह दिवा स्वप्नों की उम्र कहलाती है। आंधी तूफान और उलझन की अवस्था है, ये तो हमने स्टैनले हॉल की डेफिनेशन में देखी थी। ठीक है, कि इसमें आंधी या मन में आंधी तूफान और उलझन ये सभी इसमें होते हैं, किसमें, किशोरावस्था में। उसके बाद है यह एक समस्याओं की आयु है, क्योंकि समस्याएं जो होती हैं वो यहाँ बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि उसे नहीं समझ में आता है कि इन समस्याओं को कैसे छुटकारा पा सके, क्योंकि वह खुद को बड़ा समझता है, और अगर बड़े उसकी हेल्प करने को तैयार भी हो जाते हैं तो उनसे वह खुश भी नहीं रहता है। वो यह सोचता है कि जो कुछ मुझे पता है वही बिल्कुल सही है। तो इनमें समस्याएं जो होती हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन जब हम लोग अपनी उम्र पर आ जाते हैं तो उन समस्याओं के साथ समायोजन करना भी सीख जाते हैं। तो किशोर जो होते हैं वो समायोजन नहीं कर पाते हैं, वो समायोजन की पहली सीढ़ी पर होते हैं, इसलिए उनके लिए समस्याएं जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट है सुंदरता व श्रृंगार की उम्र। आप देखिए 12 से 18 वर्ष का जो बच्चा होता है वो, अगर लड़कियां हैं तो वो अपने आप को हमेशा आईने के आगे कुछ भी करेंगी सबसे पहले उनको आईना चाहिए, बाहर भी जाएंगी तो उनको आईना चाहिए, क्यों, वो अपने आप को देखना चाहती हैं कि वो कितनी सुंदर दिख रही हैं, या उनको श्रृंगार करने का बहुत शौक होता है। और यही हाल जो है वह लड़कों का भी देखने को मिलता है, वो भी अपने बालों को बार बार हाथ लगाते हैं या अपने को सुंदर देखना चाहते हैं। तो यह सुंदरता और श्रृंगार की उम्र होती है। नेक्स्ट है नायक की पूजा। अब यहाँ पर किसी भी नायक की वो पूजा करते हैं, किसी को अपना हेड मान लेते हैं, या इनके लिए कोई हीरो ही समझ लीजिए, कोई हीरो जो है वह इनका एक नायक होता है, उसकी तरह अपने आप को देखना चाहते हैं, या कोई भी अपना आइडियल बना लेते हैं और फिर उसके जैसा ही कार्य करने लग जाते हैं, उनकी पूजा ही करने लग जाते हैं। उसके बाद है 7 विपरीत लिंगी आकर्षण। शैशवावस्था उसमें भी हमने देखा विपरीत लिंगी आकर्षण होता है, उसी तरीके से किशोरावस्था में भी होता है। ठीक है, ये एक सच्चाई है, लड़कियां जो हैं वो अक्सर अक्सर लड़कियां जो हैं वो आईने के आगे अपना चेहरा देखती हैं तो वो ये सोचती हैं कि बाहर जाएंगे हम कैसे दिखेंगे। ठीक है, या किसी ने हमें देख लिया तो हम किस तरीके से लगेंगे, यही बात जो है वो लड़कों के साथ भी होती है। नेक्स्ट है काम शक्ति की प्रवणता। यहाँ पर काम शक्ति जो है, जो फ्राइड कहते हैं कि शैशवावस्था में काम शक्ति जो है वो बहुत अधिक होती है, उसके बाद बाल्यावस्था में हम देखते हैं कि ये सुसुप्ता अवस्था की तरफ जाती है, यानी सोई हुई होती है, वहीं किशोरावस्था में आके ये दोबारा से यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है।
नाइन्थ है अमूर्त चिंतन। यहाँ पर अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि उसके सामने कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उसके बारे में वो सोचता है, ठीक है। लेकिन बाल्यावस्था में हमने देखा था कि अगर वस्तुएं कुछ रखी हैं उसके सामने, बच्चे के सामने, तो वो उनको देखकर चिंतन कर लेता है, और किशोरावस्था में वो अमूर्त चिंतन करता है, जो वस्तु उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच लेता है। समूह में सक्रिय रहने की अवस्था, अब यहाँ पर जो ग्रुप बनता है उसका, वहां वह एक्टिव रहता है, एक्टिव रहता है। और बाल्यावस्था में क्या देखा था, देखिए शैशवावस्था में तो वो समूह बनाने के लायक होता ही नहीं है, वो बहुत छोटा होता है। बाल्यावस्था में आके वो गैंग बनाता तो है, लेकिन उसकी गैंग जो है वो पल भर के लिए होती है, यानी कि अगर थोड़ी सी ही प्रॉब्लम हो गई तो वहीं पर उसकी गैंग जो है वो टूट भी जाती है और जल्दी से बन भी जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, किशोरावस्था में समूह में ये एक्टिव रहता है, जो समूह उसने चुन लिया उसी में ये रहता है और उसी के लिए मर मिटने को भी तैयार रहता है। नेक्स्ट है समाज सेवा और देश सेवा। अब यहाँ पर कुछ जो होते हैं वो अपने आप को क्या समाज के लिए, समाज की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं, ठीक है। और देश सेवा के जो भावना होती है वो इनके अंदर बहुत अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है तर्क वितर्क की अवस्था। यह अवस्था जो होती है वो तर्क वितर्क की होती है। आपने को देखा होगा, हम कहते हैं कि ये बच्चा जो है ये तो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, जो कि अपने बड़ों से इतना वाद विवाद कर रहा है। लेकिन ये अवस्था ही ऐसी होती है जिसमें वह अपने पक्ष को सामने रखना चाहता है, तो वह तर्क करता है, ठीक है। तर्क वितर्क करने की ये अवस्था होती है, तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं होता है। ये अवस्था ही ऐसी होती है जिसमें वह इन चीजों के बारे में सोचता है, इसीलिए वह तर्क वितर्क करता है। उसके बाद है व्यवसाय का चुनाव, क्योंकि 12 से 18 वर्ष में उसके माइंड में यह चीजें होती हैं कि अब वह किस चीज का चुनाव करे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि जब 10th कर लेता है तो 11th में आके उसके सामने ये समस्या आ जाती है कि अब वो कॉमर्स लेगा, साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा, ठीक है। तो ये व्यवसाय का चुनाव करने की अवस्था होती है। उसके बाद है संवेगों में तीव्र वृद्धि। यहाँ पर जो इमोशन होते हैं वो उसके बहुत ज्यादा अधिक होते तेज होते हैं, और इमोशन की जो सबसे तीव्र अवस्था है वो यही है किशोरावस्था। उसके बाद है वैकाल, यानी दुख सबसे किशोरों, सबसे अधिक किशोरों में होता है, जबकि शैशवावस्था में प्रसन्नता सबसे अधिक होती है। जो आपको शिशु दिखाई देगा वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, आप उसके सामने कुछ भी चीज लाकर रख देते हैं तो वो उसको देखकर खुश हो जाता है, और अगर उसके सामने से वो चीज हटा दी जाती है तो वो क्षण भर के लिए रो भी देता है। लेकिन अक्सर शिशु जो होता है वो हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है, लेकिन किशोरों के अंदर जो दुख है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि संवेग तेज होते हैं, इमोशन बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस चीज को वो महसूस करता है, तो इसे वैकाल की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है करीबी दोस्ती की अवस्था। देखिए हमने ये चीज देखी थी कि समूह में वो बिल्कुल एक्टिव रहता है तो दोस्त बनाता है, और दोस्त वो उसके इतने करीबी होते हैं कि वह अपने बड़ों से भी उसके लिए तर्क वितर्क करता है। किंतु करीबी दोस्ती और अतरंग की अवस्था यंग एडल्टहुड होती है, ठीक है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बाकी आपको केवल इतना ही याद रखना है, क्योंकि हम बाल विकास को कर रहे हैं तो वहां हम केवल किशोरावस्था तक को ही समझ सकते हैं। करीबी दोस्ती की अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था। तो आज हमने किशोरावस्था भी कंप्लीट कर लिया है, अब हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। अब हम इसके बाद नया टॉपिक लेंगे। चलिए आप वीडियो को बार बार देखा करिए, जिससे कि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।